विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने ग्राम पंचायत धनेटा में अनुसूचित जाति घटक योजना में 28 लाख से बनी दो संपर्क सड़कों का लोकार्पण किया। 13.65 लाख रुपए से हरिजन बस्ती से महादेव भाग एक और 14.51 लाख रुपए से हरिजन बस्ती से महादेव भाग दो को लोगों को समर्पित कर वर्षों पुरानी उनकी मांग को भी पूरा किया। लोगों को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों में सड़कें ही आवागमन का मुख्य और सरल साधन हैं और सरकार हर मार्ग को सड़क सुविधा से जोड़ने में के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष सड़कों और पुलों के निर्माण तथा सड़कों के विस्तार पर 4,502 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि सड़कों से छुट्टी बस्तियों और गांवों को सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों से जोड़ने के लिए 75 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में 2000 किलोमीटर सड़कों की मेटलिंग और टायरिंग का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 1000 किलोमीटर वाहन योग्य नई सड़कों का निर्माण, 945 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 80 पुलों का निर्माण, 90 गांवों को सड़क सुविधा और 800 किलोमीटर सड़क का उन्नयन तथा 2200 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण का प्रावधान भी किया गया है। रोड धीरा नोरा सड़क डबल लेन बन रही है, 21 करोड़ के लगभग उस पर खर्च किया जाएगा। कवरिया से बल खड़ोर सड़क ताल खड़ पर ये काम भी हम सोच रहे हैं कि इस पंचायत का एक हिस्सा कवरिया से है, बीच में ताल खट भी या पुल वैसे हम बना रहे हैं, तो इस इलाके को हम सोच रहे हैं कि सीधा हम खड़ोट के साथ जोड़ दें। 7 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च होने वाला है। तो जरा हम कभी हमारा बल्ला पंचायत हो, खड़ोट हो, चाहे गग्गल हो, यानी अगर 32 करोड़ रुपए की वृक्ष में योजना सेक्शन होती है और उसका अगर काम अवार्ड होता है तो ये आपके इस इलाके के लिए अवार्ड होता है। आने वाले वर्षों में पानी की समस्या को हम हल करके देंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ।